वैसे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि 15,000 रुपए की प्राइस में इस टाइम पर सबसे अच्छा फोन कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो कमेंट आएगा वो आएगा वीवो Z1 के बारे में। अगर आपका कमेंट नहीं आता है तो आपका आना चाहिए, क्योंकि वीवो का Z1 जो था वो 14 से 15 हजार रुपए की प्राइस में काफी ज्यादा अच्छा फोन लेकर के आया था। और एक और अपना वीवो नया फोन लेकर के आ रहा है जिसका नाम है वीवो Z5, ये इसी का सक्सेसर बनकर के आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के Z5 में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, और मैं आपको ये बताऊंगा ये आपको इंडिया में कब देखने को मिलेगा, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। तो क्या पता ये फोन भी वीवो के Z1 से भी ज्यादा तगड़ा हो जाए, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे पास टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वीवो के Z5 की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.38 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वीवो के जितने फोन आ रहे हैं उन सारे फोन्स में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो आ ही रहा है। ये डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तब से आ रहा है जब स्टार्टिंग में फोन आया था वीवो का V11 Pro, तब से कहीं ना कहीं सारे फोन में वीवो के डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आ रहा है। मैं आपको बता दूं ये फोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 6GB 64GB के साथ आएगा और 8GB 128GB के साथ आएगा। 6.38 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, तो बैटरी भी लार्ज होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, वीवो ने इसको ध्यान में रखते ही इसमें जो बैटरी डाली है वो 4500 mAh की डाली है, और साथ ही साथ इसमें आपको 22 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिससे आपका फोन क्विक चार्ज हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में वीडियो की भावना में खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर आपकी वीडियो में नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग यही गलती करते हैं, तो आप भी ये गलती ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि वीवो के Z1 में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिला था वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 712 प्रोसेसर देखने को मिला था, वही सेम प्रोसेसर आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 712 प्रोसेसर, काफी ज्यादा अच्छा है, आपके फोन के परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके कैमरे के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको बैक में 3 कैमरे देखने को मिल रहे हैं और फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बैक के कैमरे की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 48 MP का कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है, 8 MP का आपको वाइड एंगल जो कि सपोर्ट करता है वो वाला कैमरा देखने को मिल रहा है, और 2 MP का आपको कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर मैं आपके इसके फ्रंट कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे आपको पॉपअप का सेल्फी कैमरा 32 MP का दिया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी फोन्स आ रहे हैं वो 3 कैमरे के साथ पॉपअप कैमरे के साथ आ रहे हैं, और वही सेम कैमरे दिए गए 48, 8 और 2 MP के, और फ्रंट वाला 32 MP का, सारे फोन्स में यही आ रहे हैं। वैसे मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि वीवो का Z1 आया था उसमें ज्यादा अच्छे कैमरे थे, तो इसका मतलब क्या है कि वीवो के इस फोन में भी काफी ज्यादा अच्छे कैमरे रहने वाले हैं, क्योंकि 48 MP का अगर है तो आपके फोटो काफी ज्यादा तगड़े आने वाले हैं, क्योंकि वीवो जो होता है वो कैमरा सेंसर में क्वालिटी अच्छी डालता है। बाकी आपको क्या लगता है वीवो के कैमरा सेंसर को लेकर के मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। फाइनली बात करेंगे हम लोग इसकी प्राइस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो प्राइस चीन में रखी गई है 1599 युआन रखी गई है, क्योंकि आप उसको इंडिया में कन्वर्ट करके देखते हैं तो वो 16 या 17 हजार रुपए के आसपास होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 16 या 17 हजार रुपए में सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 3 कैमरे के साथ और पॉपअप कैमरे के साथ अगर ये फोन आता है तो काफी ज्यादा तगड़ा फोन होने वाला है, और ये मार्केट में सीधा जो कम्पीट करेगा वो रियलमी एक्स को करेगा। ये फैक्ट है कि ये रियलमी एक्स इसके सामने टिक नहीं पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है वीवो के इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, कंपनी आपके ओपिनियन मांगती है और आप अपने ओपिनियन देने में कंजूसी करते हैं, तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताई दीजिए। सारा कुछ बता दिया, प्राइस बता दी, डिस्प्ले बता दी, लेकिन ये तो बता दीजिए इंडिया में कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं 31 जुलाई को ये चीन में लॉन्च हो रहा है, उसके बाद बहुत ही जल्द आपको ये इंडिया में देखने को मिलेगा। अगर हम गैस कर पाए तो 20 या 25 दिन के बाद आपको ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा।
अगर आप एक वीवो का कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको जो उसे सजेस्ट करना चाहूंगा कि 15 से 20 रुक जाइए और आप वीवो के Z5 को खरीद लीजिए, काफी ज्यादा अच्छा फोन रहने वाला है ये। दोस्तों ये था वीवो का Z5, इंडिया में आएगा तो ये कितना धमाल मचाएगा ये तो जब भी लॉन्च होगा तो पता चल ही जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट कर देना, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड टाइम।